कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी रोड पर तरंग क्रॉसिंग के पास अंडा व्यापारी ने तीन लोगों को गोली मार दी, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि दो पक्ष के युवकों में प्रेम प्रसंग के मामलों को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के युवक ने फायरिंग किया, जिसमें तीन लोगों को छर्रे लगे थे, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब तीनों युवकों की स्थिति सामान्य है और दो अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सीओ कोतवाली के नेतृत्व में तीन टीमें बनाई गई हैं, जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, इसमें दो पक्ष के युवकों में कोई प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें कि एक पक्ष के युवक ने फायरिंग किया, जिसमें तीन लोगों को छर्रे लगे थे। तीनों की स्थिति सामान्य है, खतरे से बाहर हैं, और इसमें दो अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और शेष की गिरफ्तारी हेतु तीन टीमें बनाई गई हैं सीओ कोतवाली के नेतृत्व में, और शेष के विरुद्ध भी शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। जिसमें सामने आता है कि युवकों के दो गुटों में कोई एक प्रेम प्रसंग, किसी एक युवक के प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसको लेकर तनाव उत्पन्न हुआ और दोनों पक्ष बातचीत के लिए आए थे। वहीं गर्मा गर्मी में एक पक्ष के युवक ने फायरिंग किया, जिसमें कि छर्रे तीन लोगों को लगे, और तीनों सामान्य स्थिति में हैं अभी, और जो अभियुक्त हैं उनमें से दो गिरफ्तार हैं और शेष की गिरफ्तारी के लिए सीओ कोतवाली के नेतृत्व में तीन टीमें बनाई गई हैं और शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।